घर के खाने घर से बाहर, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, स्पेशल चिकन जायका हांडी, स्पेशल मटन जायका हांडी, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, ब्रोस्ट चरगा, दिगी चरगा, तवा मछली, तंदूरी मछली, तवा चाम, मटन, चिकन, बीफ, शाही दाल, गार्लिक नान, कलवंजी नान, चीज नान, जायका बारबेक्यू। आइसक्रीम मुख्तलिफ फ्लेवर्स में दस्तियाब है। फैमिलीज के लिए अलहदा पुरस्कून फैमिली हॉल, फ्री होम डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। AM PM सर्विस के साथ जायका की फुल पेशकश। शादी जहां मर्जी करवाएं, मगर खाना जायका से बनवाएं और खाएं। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए पकी पकाई देखें, फ्री होम डिलीवरी के साथ ताज़ा बकरा और देसी मुर्ग मक्खन कढ़ाई अपनी आँखों के सामने तैयार करवाएं। क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों यकसां। जायका फैमिली रेस्टोरेंट, अल हसन प्लाजा, नज शफी शादी चौक, आरिफ वाला, चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी जहीर अहमद, 03006949527, मैनेजिंग डायरेक्टर हाजी अली हसन, 03016927718। फ्री होम डिलीवरी के लिए राब्ता करें। इसके अलावा जायका फैमिली रेस्टोरेंट का कोई और नंबर और ना ही कोई और ब्रांच है। तीन सालों के अंदर मजदूर की महाना उजरत हमने 20,000 तक बढ़ाई है, जो कि 33.3% इजाफा है, और नई लेबर पॉलिसी और अलाटमेंट पॉलिसी भी हमने मुतारिफ करवाई है। इससे कबल 10 साल तक मजदूर की तनख्वाह 15,000 थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पंजाब असम्बली से खताब में कहा कि तीन सालों में मजदूर की महाना उजरत 20,000 तक बढ़ाई, जो कि 33.3% इजाफा है। नई लेबर पॉलिसी भी मुतारिफ करवाई गई है। लाहौर सिटी रिपोर्टर सैयद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कब्र बनाने के पैसे लेने पर पाबंदी आयद। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को कब्रस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म। इंतजामिया कब्रस्तान तक तदफीन के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट मुहैया करे हाई कोर्ट। हुकूमत की जिम्मेदारी है मतूफी की तदफीन का खर्चा खुद उठाए। निजी हाउसिंग सोसाइटीज में कब्रस्तानों की जगह मुख्तस करना भी लाजिम करार। पंजाब के 4 शहरों में फौरी मॉडल कब्रस्तान बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस कासिम खान ने 8 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जराए खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। हमारे क्राइम रिपोर्टर काशिफ खलील की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा रहमान कॉलोनी के रिहायशी दो कम सिंह भाइयों के अगवा का ताहाल सुराग ना मिल सका। ओकाड़ा 11 साल तलहा और 5 साल अली अहमद मदरसे पढ़ने गए, लेकिन वापस नहीं आए लवाहिकीन। बच्चों का सुराग ना मिलने पर वालिद हुसनैन रजा ने पुलिस को इतला कर दी। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से दो मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों को अगवा के बाद नहर में फेंक दिया था। मुलजिम तनवीर अहमद और नुमान का एतराफ़ जुर्म। दोनों भाइयों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर नहर पर ले गए थे, मुलजमों का बयान। रेस्क्यू का नहर लोअर बादी दो आप के करीब, दोनों भाइयों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। हासिलपुर ब्यूरो रिपोर्ट। हासिलपुर RPO बहावलपुर DPO बहावलपुर की हदायत पर SO थाना सिटी बिलाल कुरैशी इन एक्शन। इश्तिहारी मुलजमान के लिए घेरा तंग। एक हफ्ते में मुतअद्दिद इश्तिहारी गिरफ्तार सलाखों के पीछे। हासिलपुर SHO थाना सिटी बिलाल कुरैशी ने इश्तिहारी और मफरूर मुलजमान को कैफर करदार तक पहुँचाने के लिए अपनी टीम के हमरा मुलजमान के लिए घेरा तंग कर दिया, और DPO बहावलपुर की हदायत के मुताबिक SHO थाना सिटी बिलाल कुरैशी की जेरे निगरानी कई इश्तिहारी मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया, जिसकी वजह से थाना सिटी की हदूद में जराइम की शरह में कमी पाई गई। गुज़श्ता दिनों बदनाम जमाना मुलजिम आसिफ उर्फ आसी, जो के मुकदमा नंबर 129-121 बजुर्म 406 में इश्तिहारी और मफरूर था, SHO बिलाल कुरैशी और तफ्तीशी खालिद और इसकी टीम के हमरा मुलजिम की गिरफ्तारी को पाया तकमील तक पहुँचाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद। आरफाला ब्यूरो रिपोर्ट। आरफाला तालबात को घर से निजी कॉलेज छोड़ने वाली वैन तिरखनी रोड 147 EB के करीब हादसा का शिकार। 7 तालबात के जख्मी होने की इतलाआत।
तमाम तालबात अपने गांव 64EB 66EB से सेकंड टाइम क्लासेस के लिए कॉलेज वैन पर निजी कॉलेज जा रही थी के रास्ते में कैरी डब्बा की ब्रेक फेल हो गई, जिसकी वजह से तेज रफ्तार कैरी डब्बा रोड के साइड पे बने सरकारी मुसाफिरखाना की बिल्डिंग से टकरा गया। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मी तालबात को तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टंडो आदम से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम के रिहायशी 45 साल पाक आर्मी के मेडिकल कोर में सूबेदार राव अनवर अली वल्द मोहम्मद शरीफ राजपूत मुख्तसर अलालत के बाद रावलपिंडी की CMH अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा, जिसका जस्ते खाकी एम्बुलेंस के जरिए टंडो आदम लाया गया। मरहूम फौजी अहलकार की नमाज जनाजा खल्क शाह कब्रस्तान में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के अफसरान असिस्टेंट कमिश्नर इजाज अहमद जतोई, ASP टंडो आदम अयाज हुसैन जतोई समेत सैकड़ों शहरियों अजीजों अकारब ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फौज शुदा फौजी सूबेदार की तदफीन फौजी आजाद से की गई और पाक आर्मी के आला अफसरान की जानिब से फूलों की चादरें उनके आखिरी आराम गाह पर चढ़ाई गई। फौज शुदा पाक आर्मी के जवान ने अपने विरसा में पीछे एक बेवा, 3 बेटे और 1 बेटी सोगवारान में छोड़े हैं, जबकि इनके भाई सीनियर सहाफ़ियों पाकिस्तान मीडिया एसोसिएशन के सिंध ऑर्गेनाइजर मोहम्मद अजमल राजपूत और दीगर के साथ ताजियत का सिलसिला जारी है। हासिलपुर राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर सैयद हामिद सईद काजमी के साहबजादे सैयद अहमद सईद काजमी ने जामिया मस्जिद गुलजार मदीना ओल्ड बस स्टैंड हासिलपुर में एक इज्तिमा से खताब करते हुए कहा कि दुआ में असर होता है और दुआएं कबूलियत का शर्फ हासिल कर लें तो तकदीर बदल देती हैं। दुआ मांगने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, हर वक्त मांगी जाने वाली दुआ अर्शे बरी तक पहुँचती है। उन्होंने कहा कि मसाजिद इस्लाम का कला और मुसलमानों के लिए बुनियादी तरबियत गाह है, कायनात में सबसे अच्छी जगह मसाजिद है। इस मौका पर तंजीमुल सईद जिला बहावलपुर के सरपरस्ते आला इलामा अब्दुल रजाक शाइक भी इनके हमराह थे। लाहौर ब्यूरो चीफ लाहौर राना अली अकमल की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने बर्खास्त करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फारिग होने वालों में सब इंस्पेक्टर, ASI, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल। लाहौर बर्खास्त किए जाने वालों को 5 से ज्यादा मेजर सजाएं दी जा चुकी हैं। नोटिफिकेशन, लाहौर किसी भी क्रप्ट और इख्तियारात से तजावुज करने वाले अफसर को पुलिस में नहीं रखा जाएगा। DIG लाहौर DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने 134 अफसरानों अहलकारों की बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आरफवाला चीफ रिपोर्टर्स ANY न्यूज पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक आरफवाला चौक पुराना थाना के रिहायशी साफ पानी से महरूम। आरफवाला पुराना थाना में फिल्ट्रेशन प्लांट पिछले 3 साल से बंद, अवाम मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने लगे। हर गांव में नए फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगने का हुक्म जारी कर दिया गया, लेकिन पहले से लगे फिल्ट्रेशन प्लांट से भी अवाम महरूम हो चुकी है। आरफवाला चौक पुराना थाना में फिल्ट्रेशन प्लांट हकूमती अदम तवज्जो से पुराना फिल्ट्रेशन भी जंग आलूद हो चुका। अब तो बस कबाड़िए का चक्कर लगना बाकी रह गया, मगर तब्दीली सरकार एक फिल्ट्रेशन प्लांट चालू ना कर सकी। इलाका मकीन साफ पानी पीने को भी तरसते हुए एहतजाज करने पर मजबूर। चौक पुराना थाना इलाका मकीनों की आला हुकाम से जल्द अज जल्द नोटिस लेने की अपील।